अस्सलामुअलैकुम और एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं हमारा अपना ब्यूटी का प्रोग्राम सोना सिंघार विद अंबर खान ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम क्या लेकर आए हैं ये सोचे, यहाँ डाइटिंग करनी है, मैं जलेबी खा रही हूँ, अब क्या करूँ, मेहमान का साथ तो देना पड़ेगा। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हेयर एक्सटेंशन के हवाले से। मुख्तलिफ किस्म की हेयर एक्सटेंशन होती हैं जिसमें धागे वाली भी थी, ग्लू वाली भी थी, सिलिकॉन भी थी। अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने भी लगाई थी, उसमें से स्लिप आउट हो जाती हैं। लेकिन कुछ नई टेक्निक है आज, 6D। 6D एक्सटेंशंस क्या है, आया उसकी पायदारी कितनी है, कहते ना ड्यूरेबिलिटी कितनी है, और उसमें क्या क्या हमें एहतियात करने हैं, तो ये तमाम चीजें आज के प्रोग्राम में ब्यूटी के हवाले से, क्योंकि हर चीज आ जाती है, आज मेकअप नहीं है तो आप जानेंगे। और हो सकता है कि आप मुझे अगर चाहें तो आपके जो क्वेश्चंस हैं और आप किस किस्म के प्रोग्राम देखना चाहते हैं, तो मेरा इंस्टाग्राम इज अंबर खान ऑफिशियल, फेसबुक का पेज भी है अंबर खान ऑफिशियल, तो वो आप जा सकते हैं एंड अपनी क्वेरीज दे सकते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं एक बार फिर हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट ब्यूटिशियन अफशर रूफ यहाँ पर है, और फिर इनको समोसा खिला रही सारे गेस्ट को। कोई बात नहीं, होंगे तो मोटे सब एक साथ होंगे, मुझे यही लगता है कि अब सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? और अंबर मुझे लगता है कि हर शो में आप मुझे बुला के समोसा ही खिलाएंगी और समोसा खा के मैं भी समोसे जैसी। दरअसल आसानी है, सामने से नुक्कड़ से मिल जाते भाई, गर्म गर्म समोसा दे दो, जलेबी दे दो, नेक्स्ट टाइम अगर चला। नुक्कड़ वाले की फैसिलिटीज है इनके पास, जो समोसे हमें अवेलेबल होंगे भी होंगे, आपको नहीं खिलाए नेक्स्ट टाइम पूछा हाथ में दे दूंगी, खुद ही खाए, क्योंकि मेरे शो के अंदर कोई फॉर्मेलिटीज नहीं, बिल्कुल कैजुअल सा है और हमें रखनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल कैजुअल रहते हैं। और मुझे ये चीज बहुत पसंद है आपकी भी कि बहुत ही कैजुअल फॉर्मल में है। भाई अब इतने साल कर लिया, मुझे कुछ नहीं होता मैं अपने। अच्छा जी, फटाफट आज एक्सटेंशन में क्या खास बात है, जल्दी बताइए। खास बात ये है कि आज एक्सटेंशन में 6D का बहुत ट्रेंड है, ठीक है। पहले हम सिलिकॉन बेस और टेप ऑन बेस, आई टेप, ठीक है, इस तरह की यूज करते हैं। लेकिन जो हमारी अभी की है, हमारी एक्सटेंशन जो आजकल आप लोग यूट्यूब वगैरह सब पे देख रहे हैं, वो है 6D एक्सटेंशन। क्या फर्क है? पहले फर्क ये है कि हमारे ये क्लिप बेस होते हैं, यानी कि रिमूव नहीं होते हैं क्लिप, एक होता है क्लिप जो रिमूव हो जाता है। एक क्लिप तो मैं जब पहले मेरे बाल जो थोड़े छोटे थे, और तो अब माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र, नजर मत लगाएगा, ये मेरा अपना जो तेल मैं इस्तेमाल करती हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह कैरेटीन एंड तेल, इसने कमाल दिखा दिया है। तो वो क्लिप ऑन मैं लगाती थी, तो उसी किस्म की जो हम बताएंगे वैसे क्लिप्स आप कह रहे हैं? नहीं वैसे नहीं है, वो एक अलग क्लिप ऑन है, मैं भी आप लोगों को सब चीजें दिखाऊंगी। 6D के जो है वो क्लिप्स होते हैं, 6D उसमें थ्रेड के साथ लगाई जाती है। अच्छा। वो क्लिप्स पहले तैयार किए जाते हैं, एक एक स्ट्रेंथ नहीं होता, एक एक क्लिप्स में कम से कम 10 5 यानी कि 5D है तो 5, 6D है तो 6D, 10D है तो 10, इस तरह से। तो वो क्लिप्स का हम पंच करते हैं अपने नेचुरल हेयर के साथ। तो लिहाजा पहले मैंने भी लगाए थे सिलिकॉन वाले जो ग्लू से लगते हैं, उससे पॉप हो जाते थे, ऑयल लगाओ तो भी निकल गए थे, इतना खर्चा भी करो, प्राइस आर दे वेरी एक्सपेंसिव और नॉट? देखिए 6D जो है एक्सपेंसिव है, क्योंकि अंदाज़ है, ह्यूमन हेयर प्योर, आप डाई कलर आप सब कुछ कर सकते हैं, आप उसमें डी कलर भी कर सकते हैं। अच्छा। आप फंकी कलर्स भी कर सकते हैं उसमें, क्योंकि ह्यूमन हेयर है। अच्छा, अगर 6 महीने आपने बोला था 6 महीने चल जाते हैं, अगर वो उतर जाए तो उसको दोबारा लगा सकते हैं जी? 6D को आप जो है दोबारा से रीयूज करवा के लगा सकते हैं, सालों साल चल सकती है? देखिए सालों साल इस तरह नहीं चलेंगी, क्योंकि 6 मंथ के बाद हमारी एक्सटेंशन, हमारे रियल बाल भी जो है वो 2-3 फ्लेक्स के होते हैं, तो थोड़ी सी आपकी थिक होगी तो थोड़ी सी पतली चला सकते हैं, और लगा ले सकते हैं जी, बिल्कुल। और मकसद कहने का ये है कि इसको और भी लगा सकते हैं, जाया नहीं जाएंगे इन्वेस्टमेंट। ये अब दौरान जब हम लोग अभी आपको दिखाते हैं क्या है 6D क्लिप्स, क्या है 6 महीने चलेंगे, कॉस्ट क्या है, इसकी केयर के, इस तमाम बातें हम अपने चलते हैं स्टूडियोज के अंदर। चले जाइए। हाँ जी चले, इस वक्त आ गया है 6D एक्सटेंशन, और अब बताएं अफशा क्या है, आप मुझे बताइए सर। जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए आज जो हम अंबर जी आपके साथ आए हैं, ज्वाइंट हुए हैं, वो 6D एक्सटेंशन के बारे में बताएं। ये हमारी 6D एक्सटेंशन है। अच्छा, ये हर कितने बाल है इसमें? ये हमारे जो है क्लिप्स होते हैं, ये देखिए ये एक एक स्ट्रेंथ है। ओके, ये एक स्ट्रेंथ है,
तो ये है? आप जो है 100 स्ट्रैंड्स होंगी तो 100 ग्राम कहलाती है, ग्राम के हिसाब से मिलती है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये जो है फिर हमने जैसे आप 60 लोग कह रहे हैं, 5D कह रहे हैं, तो ये है देखिए। ओह तो तुमने ये अलग से क्लिप किया और ये स्ट्रैंड, ये एक एक स्ट्रैंड इतना पतला होगा जी, पतला। तो कितने एक क्लिप में कितने स्ट्रैंड आ गए? आप इसमें 10 लगा लें, आप इसमें 5 लगा लें। ओह अच्छा। 5D 6D स्ट्रैंड हमारी मिलती है ये क्लिप्स, 5D। अब जैसे ये हमारा 1 2 3 4 5, ये हमारी 5D कहलाएगी। अब जब हम इस पे हम आ जाते 6D तो एक और स्ट्रैंड बढ़ गया, तो 6D। अच्छा जी, अगर हम 8 पे आ गए तो वो 10। अच्छा थोड़ा सा अपने व्यूअर्स के लिए कि ये तकरीबन जैसे एक स्ट्रैंड है इसमें 8D लगा रही है, 5D वो हमें यानी कि देखिए कितना डबल लगाई हुई है, देखिए बड़ी ये डबल लगाई हुई है, एक स्ट्रैंड में डबल है। अच्छा ये एक है, तो ये 10D हो गई, ये देखिएगा। ओके ये वाली स्ट्रैंड में तुमने डबल लगाई है, डबल तो 10D। तो ये एक 10D अगर सब लगाने हैं सिर्फ फ्रंट पे, मैं बात कर रही हूँ, क्या कॉस्ट होगी? देखिए ये ग्राम के हिसाब से मिलती है, जैसे पर ग्राम अंदाजन यहाँ पे जैसे 60 है, 60 के आपको कॉस्ट मिलेगी 60,000, ये लेंथ वाइज होती है, ठीक है, यानी कि आपको 20 से लेके 32-42 लेंथ तक मिलेगी, जैसे लॉन्ग है इस तरह से। अच्छा चलिए, ये हमारी जो लेंथ है ये वाली हमारी, ये 32 लेंथ है, 32 लेंथ है, लोगों को बड़ा शौक होता है। तकरीबन एक सर पे जो बाल है कितने तुम रेकमेंड करोगी अफशा? हम कम से कम 6D में जो है 200 ग्राम, 200 ग्राम, तो 100 ग्राम जो आपको मिलेंगी वो मिलेंगी सिर्फ एक्सटेंशंस के, मैं आपको रेट बता रही हूँ हेयर के, आपको 80,000, 60,000, 70,000 की, मतलब महंगी है इसका मतलब, और ये सब एक्सपेंसिव है। ये मैंने कलर किया हुआ है, अब आपको दिख रहा है ये ब्लैक है और ये मैंने डी कलर किया है, ये रियल बाल एक्सपेंसिव होते हैं। तो ओवरऑल अगर सर पे तो एक्सटेंशन लगानी है तो 100 अगर आपको लेंथ वाइज है, यानी कि 60 की जो है 20 इंच से स्टार्ट है तो 42 इंच तक है, तो उसकी 20 इंच के जो प्राइजेस है और 42 तक के, यानी कि आपको 60 से स्टार्ट है तो 1 लाख तक की आपके 60 से 1 लाख तक की होगी जब डिटेल्स लगाएंगे, तो ठीक है चलिए जी, बस ठीक है ओके। अच्छा जी अफशा ने तैयारी कर ली है, बंदूक तैयार है, मगर ये बालों की बंदूक है, हार्मलेस। अच्छा अफशा देखो ये स्ट्रैंड्स इन्होंने क्लिप ऐसे किया है जी, और ये स्पेशल गाने है ना जी जी, इसके अलावा नहीं लग सकते, ये 6D की गाने। अच्छा जी बिल्कुल, तो अब ये तुमने ऊपर लगा दे क्लिप को, ये अलग डिटैच हो गए हैं, सही है? अब क्या करोगी बता? अच्छा देखिए ये क्लिप्स हमने ऊपर लगा के ठीक के साथ लगा दिया और इसको फिर हम यहाँ पे मैनेज करेंगे कि देखेंगे, चेक करेंगे ये हम देखेंगे। ओके ये चेक कर रहे हैं। अच्छा एक ऊपर है बिल्कुल, ओके ये हमारे फिर अंदर जाके होल करके बालों के साथ। अच्छा और ये भी देखना होता है कि सेक्शनिंग में कोई बाल अड़े ना, है ना? जी बिल्कुल ऐसे ही है बात, और दूसरा ये है कि बस हमारी ये मैनेजमेंट और ये सब कुछ सही हो तो हम बहुत इजीली इसको जो है पंच कर सकते हैं, इतने मुश्किल। अच्छा कोई इसमें रॉड वॉड नहीं है? नहीं कुछ भी नहीं है, ये कोई इलेक्ट्रिक नहीं है, विदाउट इलेक्ट्रिक है, और ये आप जो है बस इसकी मेन ये चीज होती है अगर आपकी मशीन। अच्छा इसमें कॉपी भी है, कॉपी बिल्कुल नहीं यूज कीजिएगा, वो आपकी 1 से 2 बार आप फ्लेक्स लगाएंगी उसके बाद खत्म हो जाएंगी, लूज हो जाते हैं, ठीक है। ये अब हम देखिएगा कि ये जो है हमने हाथों को ऐसे करके बालों को फ्रीजी किया, इनके रिलैक्स दिया है, इसके बाद अब मैं ये अंदर ले जा रही हूँ और ये देखिएगा कि मैं इन बालों को कितना और ऊपर जाऊंगी, ये देखिए नहीं। अच्छा रखेंगे हम, और ये देखिए मैंने खींच दिया, ठीक है, और ये खींच के मैंने सिर्फ इसको पंच कर दिया बस, और ये हो गया हमारा, ठीक है। नहीं थोड़ी देर ना रखें, कितनी देर रखें? नहीं रखना, अच्छा छोड़ दो, पंच करके आपने इसको ऐसे ही ये दोबारा से खुल जाएगा। अच्छा फिर ठीक है ये खुल गया, अब हमने ये हमारा पुश करने वाला बटन है, ठीक है, ठीक है इससे हम पुश करेंगे, ठीक है, और फिर ये पुश करके हमने ओपन करके ये निकाल लिया अपने। अच्छा हमारी जो ये अब ये जो क्लिप्स है इसको हम तोड़ देंगे, वेस्ट कर देंगे, वही मैं हैरान था, मोटा क्लिप नहीं इसे अच्छा, तोड़ देंगे ठीक है, ये हमारा क्लिप टूट जाएगा, ये देखिएगा हमारी जुड़ गई, पहले आप चेक कर लो जुड़ गए, अब थोड़ा ठीक है ना, अब इसको हम
वही मैं कहती तो बेचैनी होगी। ये देखिएगा, इसको हाँ ठीक है, ये छोड़ दूँ खींचे, इसको आप जो है इसको ये वाले हमारे क्लिप को यहाँ से ये वाला जो हमारे ये जो ठीक है, ठीक है हाँ। ये देखिएगा अब ये फ्लेक्स ठीक है ना, ठीक है यार ये जुड़ गई है। अच्छा ये जुड़ गई है, ओके फिर इसको अगर आपने तोड़ना है क्लिप को बगैर तोड़े नहीं निकलेगा, नहीं अगर मैं तोड़ू नहीं नहीं टूट जाएगा। हम ये देखिए ये निकल गया, ये निकल गया। अच्छा खुद ब खुद ऐसा हो जाता है ना, भी टूटे तो खुद ब खुद बाहर हो जाए डिटैच। हां भी दिया मैं जोर लगा रही हूं ना वो कर दे। अच्छा ओके बस ये हमारी निकल गई है, लवली देखते हैं भाई ये देखिए। अच्छा यूं निकाल लो, ओके ये तोड़ दिया ना हमने, तोड़ दिया मतलब क्लिप को आधा नहीं तोड़ा उसमें से, अगर ना टूटे तो आप इसको ऐसे देखिए ये एक्सटेंड कहां गए, ये देखें जी ये ताकि व्यूअर्स को दिखा, ये देखें जी तरह। अच्छा अब ये निकलेगा तो नहीं जैसे, नहीं 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 ये नहीं निकलेगा और बेचैनी। अच्छा ओके, और जितने लगे आप कितनी इजीली सही आप फिंगर भी करें, ऑयलिंग करें, शैम्पू करें। अच्छा मैं खास से जिनके बहुत कर्ली बाल हैं तो उनको कि तुम क्या सजेस्ट करोगी कि पहले वो रिबॉन्डिंग करा लें और इन बालों को भी रिबॉन्ड कर लें ताकि कोई झंझट ही खत्म हो जाए। ऑलरेडी बस यही है। अच्छा इसको धोने के बाद इनका स्टेट ही रहेगा, टेक्सचर यही है। अच्छा तो मर्जी कर्ली में रखना, रखे रिबॉन्डिंग करनी नहीं, बहुत ज्यादा कर्ल पे तो नहीं यानी कि ठीक है ठीक है, लेकिन ये है कि जैसे ब्लो ड्राई बाल हैं नेचुरली मेरे हैं इस तरह से हम मतलब ब्लो ड्राई भी करें तो फिर यहाँ से पकड़ के करें, आपको डर है ऐसे के खींच रहे हैं तो नहीं इतना तो नहीं है, लेकिन ये है कि ब्रश के थोड़ा सा तो होगा इसके संघा जिससे इस्तेमाल किया जाता है ताकि इससे आपको आसानी होगी थोड़ा सा ये देखें ब्रश करने में बस हल्के हल्के आपने करना है, इसका कोई इतना खास ये नहीं कि आपने खींच, और देखिए लेंथ भी लंबी है अलग से दिख रहे हैं हमें, और जो एक्स्ट्रा वो काट दें जी काट ले रहे नहीं एक्स्ट्रा आप लेंथ के हिसाब से ले लें। हाँ 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 जितने लगाने हैं आप लेंथ के हिसाब से ही ले लें। तो मकसद बस सही है कि ये है, आप आराम से अपने कॉस्ट बता दी, सेफ है, छह महीने के बाद ही आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और डालने तो लाजमी ये मैं बता दूँ की लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए ठीक है कि हम लॉन्ग लास्टिंग रखें। अच्छा एक अगर हम एक्सटेंशन लगवाते हैं लोग कहते हैं कि जी ये हमारी लॉन्ग लास्टिंग रहे और खराब ना हो वॉश होने से और केयर भी करें कैसे, तो उसके लिए फिर आप जो है प्रोटीन मास्क वगैरह जैसे कि ये है आप कोई भी लगा लें, कोई भी हेयर मास्क लगा लें, ये हो गया आप ये यूज कर सकते हैं, और आप केराटिन जरूर करें ताकि आपके बालों को केराटिन मिलती रहे, तो आप कोई भी जो है ब्रांड। अच्छा तो इसका मतलब केराटिन करवाए बालों को तो वो फिर कोई भी पहले केराटिन करना है लगा कोई भी आप कर सकते हैं, केराटिन जरूरी तो नहीं है अगर नेचुरल बालों में डालना है घन बाल अच्छे जरूरत नहीं है। नहीं आफ्टर केयर जैसे कि आप 6 मंथ है हम बीच में ट्रीटमेंट चाहते हैं ट्रीटमेंट कर दो, ऑयलिंग कर सकते हैं। चले जी तो अफशा थैंक यू सो मच, आपने हमारे व्यूअर्स को जो है ये 6D एक्सटेंशन दिखाई, मालूमात फराहम की, और ह्यूमन हेयर हमेशा महंगे होते हैं तो 60,000 से लेके तकरीबन 1,00,000-1,20,000 6 महीने तक चल सकते हैं, और उनकी केयर आपने बता दी कि जिस तरह से अगर निकल भी जाए एक सवाल तो क्या वो दोबारा आप लगा सकते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही अम्मा जी के हम उसे जो है दोबारा जी जी मैं देख नहीं रही थी तो मुझे नहीं पता चला, तो जो है एकदम आप क्लिप जो हमने दिखाए हैं उन क्लिप्स में आप दोबारा से उसको रिन्यू करवा, मतलब कि वो क्लिप्स जो आप तोड़ेंगे नहीं अगर निकलते हैं तो हम अपने पास नहीं नहीं वो तो हो गए खत्म, जो उसकी एक फ्लिक्स थी ना ठीक है, मतलब बाल जो निकले हैं वो आप अपने पास रखें, बस बाल रखे क्लिप्स दोबारा परचेज कर सकते हैं जो भी चार्जेस होंगे वाला बस वो क्लिप्स के। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे नाज़रीन जैसे कि आप आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का शो, और अब मैं आप लोग से ज्यादा चाहूंगी जाते जाते जरूर कहना चाहूंगी कि बहुत सारी चीजें हैं, ब्यूटी इंडस्ट्री इतनी वास्ट है कि मुझे भी इतनी मालूमात नहीं है जितना कि इसके अंदर जितना सीखते जाओ तो हम सीखेंगे सिखाएंगे, आपका साथ चाहिए, आपके लाइक्स चाहिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि पता चले कि कितनी आप लोग चाहते हैं देखना मुझे। इंस्टाग्राम अंबर खान ऑफिशियल, फेसबुक है अंबर खान ऑफिशियल, वहां पे क्वेरीज दीजिए आपको कैसा लग रहा है, क्या कुछ देखना चाहते हैं, और मुझे हाँ
अब इजाजत दीजिए, दुआ में हमेशा याद रखेगा। और इस वक्त मैं कह सकती हूँ मेरी टीम है, माई टीम में अभी अलीजे मेरे साथ है, मेरे गेस्ट हैं, आप सब हैं, वी ऑल आर अ टीम। सो स्टे ट्यून्ड ऑलवेज विद सोलर सिंगा विद अंबर खान। अगले शो के लिए मुझे इजाजत दीजिए।